सुमित भाई, सो यस्टरडे यू हैव डन अबाउट हरियाणा असेंबली इलेक्शन एंड वी आर डूइंग चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. यू हैव डन हाउ इलेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शंस. अब टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. वी हैव डन दिस आल्सो. व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों हमें इलेक्शंस चाहिए. इलेक्शंस जो हैं मेक द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल बिकॉज दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अभी इसको आपको बुक से क्रैम नहीं करना. इलेक्शंस जो है वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आते हैं अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलवेज ट्राई टू वर्क फॉर वर्क बेस्ट फॉर द पीपल. दे ऑलवेज वर्क फॉर द, आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द पीपल. Representatives are answerable and they work according to the wishes of the people. Accountable बनाते हैं elections उन्हें. True representatives, वैसे भी election main answer is, election is the main feature of democracy and in India because it's the largest democracy in the world. Elections are must. If elections are not held, government can become dictatorial at any time. और साथ में आप बता सकते हो कि इलेक्शंस अगर नहीं होते, इफ इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड देन दिस वुड वीकन द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अब डिपेंड करता है हाउ टू राइट, आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस. आप स्टार्ट यहां से करो कि इट्स द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. विदाउट दिस गवर्नमेंट वुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक, इट कैन बिकम डिक्टेटोरियल एट एनी टाइम. हियर आई वॉन्ट टू गिव, इट डिपेंड्स अपॉन योर विश, आपने कैसे करना है. Here I want to give example of China. In China, दो elections are held. वहाँ पे elections होते हैं, but no competition. Elections जो है इंडिया में, जैसे कि हमारे multi-party system है, तो through elections everyone can get say in politics. हर एक की आवाज सुनी जाती है in politics. Everyone has given chance to contest election. Voters को voters जो है वो अपनी wish के according government लेके आते हैं. And representatives accountable रहते हैं. Elections make them representative accountable because they have to face people in the next elections. इस वे से आप लिख दोगे इसको, ठीक है. तो main answer is कि democracy का main feature ही election है, तो वो होने ही चाहिए. Next, इसमें आपकी book में जो points है, I'm going to read. Elections give choice to the voters. They can select the candidates according to their choice through elections. मैं इनको चेंज करके बोल रही हूँ, मैं सेम नहीं बोल रही जो बुक में दिए हुए हैं. Next, they can choose who will form government and take major decisions. वही बात बार बार आ रही है. People can select the representatives and who form government and make take major decisions for the country. These decisions are taken by people that who will take the major decision of the country, वो उसी को पावर में लगते हैं. फिर लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्विट करते हैं, फिर उसी जिस पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं, जिस पार्टी की फेवर में वो वोट करते हैं. डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द पीपल, लोगों की मर्जी होती है टू ज्वाइन और क्विट एनी पार्टी. इसमें ये बताएं, बट आप लीव इट, आप ऐसे पॉइंट्स मत लिखो. अब सिंपल पॉइंट्स लिखो, इट्स द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. विदाउट दिस कंट्री वुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक. देखो अपने कितने पॉइंट्स बनते जाएंगे. फिर बताओ कि गवर्नमेंट कैन बिकम डिक्टेटोरियल एट एनी टाइम इफ इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड. फिर बताओ कि दे इलेक्शंस मेक द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल आंसरेबल बिकॉज फिर साथ में बताओ रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. इफ आप बताओ कि इलेक्शंस नहीं होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बॉदर अबाउट द डिमांड्स ऑफ द पीपल. कभी भी बॉदर नहीं करेंगे वो. दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज रिमेन रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल. हर टाइम वो लोगों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे. तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, लिव इट. नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. अब ये भी आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसका आंसर देना. इलेक्शंस को कौन सी चीजें डेमोक्रेटिक बनाती हैं बताओ. सबसे पहले तो फिक्स्ड टेन्योर पे होने चाहिए ना. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर.
सबसे पहले तो ये डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं इलेक्शंस, फिर आप बताओगे कि प्रॉपर चॉइस शुड बी गिवन टू द वोटर्स, देयर शुड बी नो आउटर प्रेशर ऑन द वोटर्स, वोटर्स हैव गिवन चांस टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, कोई उनके ऊपर आउटर प्रेशर नहीं होना चाहिए. कैंडिडेट शुड नॉट डिमांड वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं ना, कभी भी उन्हें रिलीजन और कास्ट के नाम पे वोट्स नहीं मांगनी चाहिए. फिर आप बताओ कि ड्यूरिंग इलेक्शन सीक्रेट सिंबल्स शुड नॉट बी यूज बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. कैंडिडेट्स आर शुड नॉट बी अलाउड, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, वैसे है ही नहीं है ये, टू यूज रिलीजियस प्लेसेस फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग. रिलीजियस प्लेसेस वो यूज नहीं करें ड्यूरिंग कैंपेनिंग. और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, इस प्रिंसिपल को फॉलो करनी चाहिए. तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ फैक्ट्री शुड बी इक्वल, हाई इक्वल है, इज इक्वल. तो ये सारी बातें इलेक्शंस को क्या बनाती हैं, डेमोक्रेटिक. इलेक्शंस फ्री एंड फेयर वे से होते हैं, पता है ना. क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. अब इसको आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, इलेक्शंस को कौन सी बातें डेमो, पांच नंबर का ही आएगा ना अगर कोई भी टॉपिक आएगा, छह सात का तो आता नहीं है. मीन्स यू हैव टू राइट फाइव गुड पॉइंट्स. अगर आपके फाइव के फाइव पॉइंट्स, सीबीएसई कभी नहीं कहती बड़े बड़े आंसर्स करो, ठीक है, डेढ़ डेढ़ पेज का आंसर, नो. आपके फाइव पॉइंट्स अगर करेक्ट है ना, और बिल्कुल मेन आंसर को वो बता रहे हैं, मेन आंसर आपने पूरा जो पूछा वो ही आपने लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यू विल गेट फाइव आउट ऑफ फाइव. पांच पॉइंट पांच नंबर पांच पॉइंट, यू विल गेट फुल मार्क्स. कई बार क्या होता है बच्चा डेढ़ डेढ़ पेज का आंसर लिख के जाता है, ठीक है, उसने 10 पॉइंट लिखे बट मेन आंसर नहीं है उसमें, तो उसको नंबर. क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. बच्चा बता रहा है कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच, ऐसे बता रहा है, ऐसे वाले पॉइंट्स बता रहा है, वी नीड इलेक्शन, ऐसे वाले पॉइंट्स बता रहा है, तो बच्चे ने ये बात तो कवर ही नहीं की. व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, बड़ा तो जितना मर्जी बना दो, बीच में हरियाणा असेंबली इलेक्शन लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे. नंबर उसी चीज के मिलेंगे जो पूछा और वो बताया हुआ. व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, इस चीज को दिमाग में थोड़ी देर के लिए सोचना और फिर इसी को ही लिखना, बस कुछ बड़ा नहीं करने की जरूरत. अपने आप अपने मन में सोच के देखो कि यू कैन राइट फाइव पॉइंट्स अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. देन अगर आपको ये पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आ रहे हैं ना, नो नीड टू डू दी सेम आंसर्स इन होमवर्क कॉपी आल्सो, फिर आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ती, ना तो लर्न करना है ना ही आपने लिखना, आपको तो अपने आप ही आता है. व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, अपने आप सोच. अभी ये बच्चा पहले बिगनिंग में इसने फर्स्ट पॉइंट दिया कि इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड आफ्टर फिक्स टाइम, इट मींस फर्स्ट पॉइंट जिसने बता दिया वो आगे भी फ्रेम कर ही लेगा, फिक्स टाइम के बाद होने चाहिए. नेक्स्ट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल, और हाँ वैल्यू ऑफ वोट, चाहे वो प्रेसिडेंट की है चाहे ऑर्डिनरी वर्कर की है, वैल्यू सेम. रिलीजियस प्लेसेस ड्यूरिंग कैंपेनिंग यूज नहीं होनी चाहिए, सेक्रेट सिंबल्स नहीं. वोटर्स कैंडिडेट शुड नॉट डिमांड वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. देयर शुड बी नो आउटर प्रेशर ऑन द वोटर्स, हैव गिवन प्रॉपर चॉइस, वोटर्स हैव गिवन प्रॉपर चॉइस, दे कैन कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. तो ये सारी बातें क्या बनाएंगी इलेक्शंस को, डेमोक्रेटिक. तो इस इट मींस ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो. इसमें इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए, आई एम गोइंग टू रिपीट इट. फर्स्ट इज एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, एवरीवन शुड हैव वन वोट वन वैल्यू, वही पॉइंट, ठीक है ना. सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट. हमने भी यही बताया कि वोटर्स के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, एंड कैंडिडेट्स हैव गिवन प्रॉपर चांस टू ऑल, ऑल पीपल इन इंडिया हैव गिवन चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन. एवरीवन कैन फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, क्विट इट और ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, क्विट कर सकते हो. नेक्स्ट इज यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है
इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, मीन्स फिक्स्ड एंड, और हमने भी यही बताया. नेक्स्ट इन्होंने बताया फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड. हाँ, जिन लोगों को लोग, कैंडिडेट जिसके पास मेजोरिटी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेजोरिटी जो लोग एक कैंडिडेट की फेवर में होते हैं, वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए. कैंडिडेट शुड बी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, यही तो हम बता रहे हैं. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बताया, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर. तो यही हमने सारे पॉइंट्स बताए हैं, बुक भी यही कह रही है, आपने भी यही लिखने हैं. बुक में थोड़े पैराग्राफ में दिए हुए हैं एंड यू कैन राइट सिंपल पॉइंट्स. अब आप लिख सकते हो, नो, आपको सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं. व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, तो कैन यू राइट व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, व्हाट आर इलेक्शंस, कैन यू राइट दीज टॉपिक्स. व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, फर्स्ट तो उसी वाला पॉइंट लिखो कि रेगुलर इंटरवल, सेकंड वन वोट वन वैल्यू वाला, थर्ड वोटर्स के ऊपर आउटर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट्स हैव गिवन चांस टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है, कैंडिडेट्स, फिर आप ये बताओगे सेक्रेट सिंबल्स इन यूज होने चाहिए, रिलीजियस प्लेसेस ड्यूरिंग इलेक्शन, कैंडिडेट शुड नॉट बी अलाउड टू डिमांड वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. रिलीजन और कास्ट के नाम पे वोट्स नहीं मांगे जाने चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शंस. इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. तो ये सारी बातें इलेक्शंस को क्या बनाती हैं. नेक्स्ट इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. अब भी मैंने कल बोला था कि अगर स्टडी में आपकी, आप पढ़ते हो स्कूल में, आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर कॉम्पिटिशन नहीं होएगा तो अपने आप सोचो कोई भी हार्डवर्क करेगा नहीं. इसी चीज को लेके आप इसको लिखो, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, यस. इसको बोलोगे कि यस, एक नंबर तो यस लिखने का ही मिल जाना कि यस इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन होना चाहिए. फिर आप बताओगे इफ देयर इज कॉम्पिटिशन देन डिफरेंट पार्टीज ऑलवेज ट्राई टू डू देयर बेस्ट व्हाइल मेकिंग मैनिफेस्टो दे विल मेक देयर पॉलिसीज बेस्ट. वो अपनी बेस्ट पॉलिसीज बनाएंगी क्योंकि थ्रू देयर मैनिफेस्टो पार्टीज अट्रैक्ट द वोटर्स. तो अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं है, यहाँ पे अब आप चाइना की एग्जाम्पल दे सकते हो कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन नहीं है, वन पार्टी कैन बिकम डिक्टेटरियल एट एनी टाइम. फॉर एग्जाम्पल चाइना, चाइना में बताओ कि कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे सारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी हैज गिवन चांस टू कम इन पावर एंड चाइना इज अ वन पार्टी, इन चाइना देयर इज वन पार्टी सिस्टम एंड वी कांट से इट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इन डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी कॉम्पिटिशन दो ओनली बिटवीन टू पोलिटिकल पार्टीज बट इट शुड बी मस्ट कॉम्पिटिशन होना चाहिए, चाहे दो में ही करवाओ बट देयर शुड बी कॉम्पिटिशन. अगर कॉम्पिटिशन है तो रिप्रेजेंटेटिव हमेशा लोगों के लिए बेस्ट वर्क करेंगे. ठीक है, तो इस वे से आप बताओगे कि पॉलिटिकल कंपटीशन इज मस्ट. अभी आपको लिखना आएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना आएगा, व्हाई इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. पहले तो यस आंसर आएगा, फिर कंपटीशन है तो कैंडिडेट्स क्या रहेंगे, ऑलवेज ट्राई टू डू देयर बेस्ट बिकॉज दे हैव टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर. उन्हें पब्लिक ओपिनियन ही तो जीत पाता, अगर पब्लिक ओपिनियन ही फेवर में नहीं होगा तो इलेक्शन ही नहीं जीत पाएंगे. They have to attract voters and for this they always try to make their policies, programs best. Competition है तभी वो काम करेंगे ना. फिर यहाँ पे आप बड़ा करने के लिए थोड़ा सा example from China. Here आप अपने बारे में लिखो कि I can give example from China. In China there is no political competition. There is only one party, that is Communist Party. So one party can become dictatorial at any time. नो वन, आप बताओ कि कोई भी बॉदर नहीं करेगा. फिर आप बताओ कि अगर एक पार्टी ओपोजिशन ही नहीं होगी फिर कंट्री में, कोई उस पार्टी को फोर्स ही नहीं कर पाएगा टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस, कोई भी नहीं कर पाएगा फिर उसको, तो पार्टी बॉदर ही नहीं करेगी.
अबाउट द विशेज ऑफ द पीपल, क्योंकि उसको पता है कि उसी ने पावर में रहना. तो इट मीन्स देयर शुड बी कॉम्पिटिशन, ताकि रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करें, अकाउंटेबल रहें. इलेक्शन ही अगर कॉम्पिटिशन है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करेंगे. आप जैसे मर्जी इस चीज को लिख सकते हो, अपने आप पे बनाओ पहले कि आप में कॉम्पिटिशन क्यों होना चाहिए. बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है, आपका एक स्टेज पे एक्टिविटी करते हो कॉम्पिटिशन, कैसे आप उस बात के लिए कितने एफर्ट्स करते हो क्लास की एक्टिविटीज में कि हमारी क्लास का प्राइज आए, करते हो ना. तो सेम एज पॉलिटिशियंस, उनको भी तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम जीतना होता है. ड्यूरिंग इलेक्शन द मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शन. तो अगर कंपटीशन रहेगा पार्टीज में तो हर पार्टी अपना बेस्ट टू बेस्ट. साथ में यहाँ पे ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि पीपल ऑफ सम टाइम्स पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स कैन गेट बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज मेक प्रोमिसेस, वेरियस प्रोमिसेस विद द पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप. डाइवर्स, आप बताओ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, ये इन लोगों के लिए सीट्स ही रिजर्व हो चुकी हुई है. कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात उठाई होगी. अगर कंपटीशन है जिस पार्टी ने भी उठाई है बात, तो मींस लोग तो पार्टी की पॉलिसीज देख के वोट डालते हैं ना. तो कॉम्पिटिशन रहेगा तो हर कोई बेस्ट वर्क करेगा. समटाइम्स ऐसे कॉम्पिटिशन के कारण कई बार किनको फायदा होता है, people of disadvantaged groups, they will sometimes people of disadvantaged groups get benefits, ठीक है, through this competition, ठीक है, इस वजह से कर लोगे. next, इसके बाद एक constituency word है and you know it very well. अगर constituency पे आपको आ जाए what do you mean by constituency, तो इसमें आपने बताना है for the purpose of election country is divided into smaller parts known as parliamentary constituency. At present in India there are 543 parliamentary constituencies and the demarcation of these constituencies is done by kaun karta hai, election commission. Very good. Demarcation of the constituencies is done by election commission and political parties select their candidates from the all constituencies. Different parties apne candidates select karti hain from the constituencies and the candidate that gets majority of votes, maximum number of votes is declared winner from the constituency. Agar to wo country ke hain to aap bataoge parliamentary constituencies, agar aap bataoge ke state ke hain to fir aap bataoge assembly constituencies, फिर आप बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो एरिया होते हैं रफली पॉपुलेशन, उन्होंने जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर करता है ना इलेक्शन कमीशन, तो रफली सेम पॉपुलेशन, रफली ये नहीं है कि कुछ प्रॉपर काउंटिंग होती है, रफली वो एरिया एंड पॉपुलेशन सेम देख के डीमार्केशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की. रफली बोला मैंने, रफली सेम, रफली रखते हैं पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम. तो एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ना जनरल एंड ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई हुई हैं कितनी एससी की होती हैं. ये देखो, लुक हियर, 543 constituencies, ये वन मार्क क्वेश्चन में बन जाती है. टोटल 540, अब इसी में constituency वाले क्वेश्चन में लिखोगे. फॉर जनरल कैटेगरी 412 कितनी है, एस सी के लिए 84, एस टी के लिए 47, ये सारी 412 84 47 काउंट कर लो कितनी हो गई, 543. Is it clear? Paper में पूछा जाना है how many constituencies are reserved for SC and for ST? How many constituencies are for general category? Total constituencies in India. तो ये आपका constituencies वाले topic में आ जाएगा. What do you mean by constituencies? अगर question आता है
तो इस क्वेश्चन को आप अपने वे से बड़ा कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन ही, वैसे तो ये 3 नंबर के आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अपने वे से लिख सकते हो ना। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन कौन करता है काम, इलेक्शन कमीशन। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंडिया में कितनी है, 543। फिर इसको डिटेल में बता दो कि एट प्रेजेंट के जनरल कैटेगरी की कितनी है, एससी की 84, एसटी की। इस वे से अगर आप कर सकते हो देन ये भी कर सकते हो। फिर अगर आपका फिर शॉर्ट बन रहा है फिर आप स्टेट का भी बता सकते हो। इफ देयर आर इलेक्शंस ऑफ एनी स्टेट देन पर्टिकुलर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स बाय द इलेक्शन कमीशन नोन एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कल हमने हरियाणा की कितनी पढ़ी थी, 90, पंजाब की 117, ठीक है, गोवा की मैंने बोला 40। तो हर स्टेट की पॉपुलेशन और एरिया पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे, हर स्टेट की डिफरेंट होती है। तो इस वजह से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बाद आ जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद आ जाता है वोटर्स लिस्ट क्या होती है, हू रिवाइज्ड वोटर्स लिस्ट, इलेक्शन कमीशन। वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज बाय इलेक्शन कमीशन बिफोर द इलेक्शन। नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड इन दैट एंड नेम्स ऑफ बोगस वोटर्स आर डिलीटेड फ्रॉम दैट पीपल। बोगस मीन्स आप साथ में बताओ ना, अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई शिफ्ट हो जाए, कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चला जाए, है ना, तो ऐसे वोटर्स के नेम उस लिस्ट में से डिलीट हो जाते हैं। और एंड मोस्टली दिस ड्यूटी इज गिवन टू द टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, दे डिड प्रॉपर सर्वे एंड देन वोटर्स लिस्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड, तब जाके वोटर्स लिस्ट होती है। एंड इट वोटर्स लिस्ट इज रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन बिफोर इलेक्शंस। अगर वोटर्स लिस्ट आ जाए तो, अगर आ जाए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्यों होनी चाहिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने आप सोच के बताओ, ताकि ये लोगों की भी आवाज सुनी जाए, जो डाइवर्स ग्रुप के और डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग है ना, उनकी भी, दे आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, सो दैट दे आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, इन लोगों की भी आवाज सुनी जाए। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट प्रेजेंट आप बताओगे कि इन अवर कंट्री सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, तो आप बताओ ना कितनी है एससी की, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एंड एसटी की कितनी है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो इन इंडिया टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पे भी बता सकते हो, पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, पेपर में या तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे नोट आएगा या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या फिर आएगा व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड राइट नोट ऑन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो मीनिंग सबको आता है, ठीक है। अब रिजर्व, आप पहले बताओगे कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया आर 543, आउट ऑफ 543 हाउ मेनी आर फॉर जनरल कैटेगरी, हाउ मेनी आर फॉर एससी, हाउ मेनी आर फॉर एसटी, तो दीज आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसलिए गवर्नमेंट ने बनाई सो दैट पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो ये लोग हैं ये कहीं इग्नोर ना हो जाए, दे मस्ट हैव से इन पॉलिटिक्स, ताकि इनकी भी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर ये लोग पावर, बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आपको पता है बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट, ये क्यों बनी थी, कौन, मेड दी डिक्लेयर्ड दीज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर ने, शॉर्ट सी स्टोरी है, बी आर अम्बेडकर ने ना महात्मा गांधी से मांगा था सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट, एक मिनट ध्यान से सुनो, इन अवर कंट्री कंडीशन ऑफ दीज पीपल, ये जो एस सी एस टी तो बाद में नाम पड़ा है ना, दलित्स होते थे पहले, कंडीशन वॉज वेरी पुअर, इनकी बहुत पुअर कंडीशन थी। तो गांधी जी was on the view that this till this untouchability would not be eliminated, Swaraj would not come. इनको untouchables भी कहा गया, पता है ना, 8th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, Dalits and then untouchables. तो गांधी जी ने कहा कि उतनी देर स्वराज नहीं आएगा जब तक
अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी फ्रॉम द कांग्रेस, सिर्फ गांधी जी ने इनकी तरफ पहले ध्यान दिया। गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स, गांधी जी ने इन लोगों के काम खुद किए। गांधी जी ने ये जो भंगी स्वीपर्स होते थे इनके काम खुद किए ताकि इनके काम को इम्पोर्टेंस मिल सके। बी आर अम्बेडकर एक दलित लीडर थे, बी आर अम्बेडकर की भी स्टोरी है। बी आर अम्बेडकर जब 9 ईयर ओल्ड थे ना तो इन्होंने अपने फादर को मिलने जाना था, तो साथ में इनका भाई था, बड़ा भाई। तो फादर किसी दूर विलेज में रहते थे, तो जब ये ट्रेन में बैठे ना दोनों बच्चे, एक शायद 12 ईयर्स था एक 9 ईयर्स, तो जब ये ट्रेन में बैठे ना तो ट्रेन में टीटी आया टिकट के लिए, तो उसने इनसे वैसे ही बात की, तो उसने पूछा कि आप बच्चे हो कहाँ जा रहे हो, इन्होंने बोला कि फादर को मिलिए। तब टीटी ने इनसे पूछ लिया इनकी कास्ट के बारे में, जब इन्होंने कहा दलित, तो बी आर अम्बेडकर के खुद के व्यू है कि टीटी ऐसे भागा कि वो दोबारा दिखा ही नहीं। कहते हम उससे हेल्प मांग रहे थे कि विलेज जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें बताना, टीटी दोबारा इन्हें दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दलित थे, लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। जब ये वहां से स्टेशन पे उतरे अपने, तो कोई ने अपनी बुलक कार्ट में नहीं बिठा रहा था, क्योंकि अगर ये बैठते थे तो दूसरे लोग उतर जाते थे हाई कास्ट वाले के, हमें हमने इनके साथ नहीं बैठना। कोई भी नहीं बिठा रहा था, ये बैठे रहे स्टेशन पे, तब कौन से फोन वगैरह होते थे, ये बैठे रहे, रो रहे थे वहां पे बैठे दोनों बच्चे। तो वहां पे एक बुलक कार्ट रात को काफी लेट जो खाली अब जा रहा था, तो उसने इनको आवाज लगाई कि आपने किधर जाना। तो इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे हमारे फादर रहते हैं, हमने उनके पास जाना। उसने फिर इनको बिठाया और वहां पे छोड़ा। तब कहते बी आर अम्बेडकर ने कसम खाई थी कि जब वो बड़े हो जाएंगे ना, 9 ईयर ओल्ड बच्चे ने, कि वो इस अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, इसको खत्म करेंगे इंडिया में से। और सच में की बी आर अम्बेडकर रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस अनटचेबिलिटी, स्टार्टेड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। वही 9 ईयर ओल्ड बच्चा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यू नो इट वेरी वेल। तो बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा फॉर दीज पीपल। उनको था कि जब तक ये लोग पावर में नहीं ना आएंगे, इनकी कंडीशन कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। तो गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे क्योंकि इससे इंडिया की डिवीजन हो जाएगी। वैसे इंडिया बट रहा था, लॉर्ड इरविन था तब इंडिया का गवर्नर जनरल, लॉर्ड इरविन वाज ऑन द साइड ऑफ बी आर अम्बेडकर। उसने कहा कि ठीक है आपस में इनको लड़ा दो, कांग्रेस एंड बी आर अम्बेडकर को, महात्मा गांधी और ये लड़ पड़े तो उसको फायदा होगा। तो लॉर्ड इरविन वाज ऑन द साइड ऑफ बी आर अम्बेडकर, बट गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ डिक्लेयर कर दिया कि वो अंजल त्याग देंगे बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। तो बी आर अम्बेडकर को झुकना पड़ा। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी में एक पैक्ट साइन हुआ, एक समझौता हुआ, दैट इज नोन एज पूना पैक्ट, पूना में साइन हुआ था। और उस पैक्ट के अकॉर्डिंग, 1932 की बात है, उस पैक्ट के अकॉर्डिंग सीट्स रिजर्व होगी इन लोगों की, इन लोगों की सीट्स रिजर्व कर दी, इनके नाम रख दिए एससी एंड एसटी। लेटर दीज पीपल केम टू बी नोन एज एससी एंड सीट्स रिजर्व कर दी। और साथ में कहा वोटिंग शुड बी डन इन अ जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेपरेट नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी, जनरल होगी, जनरल इलेक्टोरेट होगा, सेपरेट नहीं मिलेगा। अगर सेपरेट देते तो बताओ कंट्री की डिवीजन हो जानी थी ना तब। चलो बाकी हम कल करेंगे।